कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है और इसमें 101 गारंटियों का जिक्र भी किया है। इसमें युवाओं से लेकर महिला और किसानों पर अच्छा खासा फोकस रखा गया है। पार्टी ने इस बार राज्य में फ्री बिजली देने का वादा भी किया है, लेकिन इन सभी गारंटियों में एक ऐसा वादा है जो काफी सुर्खियां बटोर सकता है, और ये वादा है एक आईपीएल टीम बनाने का वादा। पार्टी ने कहा है कि आईपीएल में मध्य प्रदेश की टीम बने, इसका प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों और महिलाओं पर अच्छा खासा फोकस रखा गया है। जैसा हमने आपको बताया, पार्टी ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान और गेहूं 2600 रुपए क्विंटल की दर पर खरीदेंगे। उपज का 3000 क्विंटल देने का मिशन रखा गया है। 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। वहीं पार्टी ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इन सभी गारंटियों में कुछ ऐसे वादे हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। पहला, जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को जारी किया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। दूसरा, महिलाओं को प्रति महीना 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में देंगे। तीसरा, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। चौथा, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट माफ होगा और 200 यूनिट हाफ कर दिया जाएगा। पांचवा, पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे। छठा, किसानों को सिंचाई हेतु 5 हॉर्स पावर का विद्युत निशुल्क प्रदान करेंगे। सातवां, किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ करेंगे। अगला, राज्य में जातिगत जनगणना करवाएंगे। अगला, शासकीय सेवाओं और योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। इसके बाद संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में स्थापित करेंगे। अगली घोषणा है कि पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 1000 और कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीना देंगे। अगली घोषणा है कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा निशुल्क करवा दी जाएगी। अगली घोषणा है, आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पेसा एक्ट लागू करेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे वादे किए कि मध्य प्रदेश में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान तिलमिला गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इन घोषणाओं को सुनने के बाद क्या रिएक्शन दिया, जरा सुनिए। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा, एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। खैर, कांग्रेस के वादे सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या ये मध्य प्रदेश में लागू कर पाएगी, हाँ या ना, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।